नमस्ते जी, कैसे हो सब? मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ, राजपूत जॉन से। आपके लिए एक कॉर्नर हाउस लेकर आया हूँ, एयरपोर्ट रोड मोहाली, सेक्टर 125 की लोकेशन रहेगी। 180 गज में बना हुआ है, 5 BHK है प्रॉपर। ग्राउंड फ्लोर पे 2 BHK सेट है, फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 BHK है, टॉप फ्लोर पे 1 BHK है। उसको सर्वेंट रूम भी बना सकते हो। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपके लिए 5 BHK हाउस से बेटर कोई चीज़ है ही नहीं। आज के टाइम में जो इंडिपेंडेंट हाउस, ये बड़े महल 180 गज में बन रहे हैं, 150 गज में बन रहे हैं, हर चीज़ अगर कोई बढ़िया बना रहा है तो 5 BHK कंसेप्ट में ही हर बंदा ले रहा है इसको। 5 BHK कंसेप्ट में ही सबसे बढ़िया रहती है, स्पेशियस हो जाता है। आप इतने बड़े महल में, आज के टाइम में सर्वेंट रूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, उसी हिसाब से हमने ये कॉर्नर हाउस को बना रखा है। फ्रंट एलिवेशन पे टाइल वर्क रहेगा, साइड पे भी और फ्रंट एलिवेशन पे भी, और स्टील ग्रिल ग्लास वर्क रहेगा। सारा टफन अराउंड में सारा टफन घुमाया हुआ है हमने ग्रिलों में। और यहाँ पे आपको फंडर मैक्स मिल जाएगी टॉप फ्लोर पे, वो जो हमने मॉन्टी के ऊपर एक, उसके बाद एक बेडरूम है साथ में, उसके ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है, वहाँ पे आप झूला वगैरह भी लगा सकते हो। आपने बस वीडियो के एंड तक जाना है, मैंने अंदर से आपको सारी चीज़ें विजिट कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। कॉर्नर है तो आपको पता ही है, कॉर्नर में होता क्या है कि यहाँ पे स्पेस आपको गाड़ियों के लिए दो, यहाँ पे आप एक्सयूवी कार खड़ी कर सकते हो, सुडान गाड़ी भी यहाँ पे लग जाएगी, तीन यहाँ पे लग जाएंगी सुडान कार, जैसे i20 स्विफ्ट वगैरह, यहाँ पे भी आप स्विफ्ट वगैरह भी खड़ी कर सकते हो, एक एक्सयूवी गाड़ी भी खड़ी कर सकते हो, और अंदर भी आपकी एक गाड़ी आराम से लग जाएगी। ये हमारा हाउस बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया, अभी हमारा ये फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे, और हमारे MD सर ने यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पे तीन बनाए हैं टोटल। ये तीन आपको मिल जाएंगे, बीच वाला सेल आउट है, अभी इसकी 3 मंथ पोजेशन है, थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन के कस्टमर रहेंगे। 150 गज में मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 180 गज में मिल जाएगा, तीनों मिल जाएंगे। और साथ में हाउसेज थे बिल्डरों के जिन्होंने सेल आउट किए हुए हैं, सामने भी सारा माल बिका हुआ है, बहुत बढ़िया हमारे हाउस और लोकेशन, हर चीज़ बहुत बढ़िया रहेगी, अच्छी जगह पे बढ़िया इन्वेस्टमेंट की है जो आपके लिए बेटर रहेगी। और एंट्री करते हैं, सबसे पहले चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे स्पेशियस कार पार्किंग है, कार पार्किंग का एरिया बहुत ज़्यादा स्पेशियस रहने वाला है, और कॉर्नर हाउस है तो बीच में हमने पार्क भी दी है। पार्क में यहाँ पे आप झूला वगैरह भी लगा सकते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे और थोड़ी सी ग्रीनरी करनी है तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हो। जो साइड के कॉर्नर में छज्जे हैं जो हमारे, जिस पे फंडर मैक्स लगी हुई है, उस पे सारी लाइटिंग टोटल आपको मिल जाएगी। विंडोज़ आपको पता ही है, कॉर्नर में आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। यहाँ पे सामने कार पार्किंग एरिया, और इस कॉर्नर के सामने यहाँ पे हमारे को सामने भी रोड मिलेगा, इधर भी आपको रोड मिल जाएगा, जिस तरफ मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया सामने घर के वीडियो, यहाँ पे भी आपको स्पेशियस, इधर 40 फुट का रोड है, ये 35 फुट का रोड रहेगा साइड पे। एक बार अंदर चलते हैं, पहले तो मटेरियल आपको हर चीज़ मैंने क्लियर करनी है। सबसे पहले जो ये मार्बल लगा हुआ है, ये डबल कोड हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे सिंगल नहीं है, यहाँ पे फिर टूट जाता है, ये स्टेप है ना जो, ये सारे आपको डबल रहेंगे। एंटर करते ही यहाँ पे आपको स्पेशियस एक एंट्रेंस जो 9 फिट की हमने दी हुई है, इसमें हमने MPTEK यूज़ की है, और उसके ऊपर मैट का पॉलिश वर्क आपको मिल जाएगा, और जितने भी जाली के दरवाजे हैं इनमें भी हमने MPTEK यूज़ की हुई है। विंडो चुगाठे दरवाजे सब पे आपको टीक की लकड़ी मिलेगी, चुगाठे भी आपको इसी लकड़ी की मिलेंगी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सब पे पॉलिश वर्क मिलेगा टोटली। यहाँ पे 9 फिट का हमने दरवाजा दिया हुआ है। एंटर करते ही यहाँ पे स्पेशियस आपको ये स्पेशियस, इसको हम डाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम सोफ़ा सेट भी एक राउंड में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे को 3 ऑप्शन है। सबसे पहले चलते हैं इधर, ये मॉलर किचन बहुत ज़्यादा स्पेशियस रहेगी, यहाँ पे आप डाइनिंग लगा सकते हो, यहाँ पे भी 4 सीटर लगा सकते हो, 6 सीटर, 7 सीटर, अगर आपने बड़ा डाइनिंग टेबल लगाना है वैसे यहाँ पे 4 सीटर 6 सीटर लगेगा, ये ऑप्शन 12 सीटर 16 सीटर, जैसा मर्जी वहाँ से लेके यहाँ तक आप यहाँ तक लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने ना ऐसे नहीं किया, डाइनिंग नहीं किया, जैसे अटैच हो जाता है ना तो ये बीच में हमने पार्टीशन दे दिया, क्योंकि जो बड़े इंडिपेंडेंट हाउस है उसमें रहता क्या है कि आपको ना उसमें एक पार्टीशन देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी रिलेटिव वगैरह आ जाए, कोई बात करनी है, तो वो सारी चीज़ें ठीक नहीं लगती, इसीलिए हमने उसी हिसाब से बनाया है इसको। फॉल सीलिंग आपको विद प्रोफाइल लाइट मिल जाएगी,
यहाँ पे स्पेशियस है, आपको एक अभी थोड़ा बहुत सामान पड़ा है अंदर, इसको आप माइंड में मत रखना, क्योंकि अभी ना हमारा आज पोजेशन हुआ है बस। पोजेशन मीन्स कि हमने थोड़ा सा रेट मूव में 95% कर दिया, बस ये सामान वगैरह ये सब चीज़ें रह गई हैं उठाने के लिए। पर फिर भी मैं चाहता था कि, क्योंकि बहुत सारे कस्टमरों के मैसेज आए हुए हैं कि सुखविंदर हमारे को एक बढ़िया चीज़ दिखाओ, तो जो हमारे एमडी सर की अभी नई चीज़ आई है वही मैं आपको विजिट करा रहा हूँ। स्प्लिट एसी की प्रोविजन मिल जाएंगी, कॉर्नर की विंडो है, इसमें टफन लगाया हुआ है हमने टोटली, ये सारा टोटल टफन रहेगा, ये बीच में पार्टीशन दिया हुआ है विद ग्लास है, ये सारा टीक का वर्क है, सब पे पॉलिश वर्क रहेगी टोटली। यहाँ पे भी हमारा जो रहेगा बढ़िया हमने किया हुआ है फॉल सीलिंग का काम। यहाँ पे एलसीडी पैनल आपको मिल जाएगा बीच में, इधर बेडरूम है, बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम रहेगा। थोड़ा सा आज के टाइम का जो चल रहा है लेआउट, और जिस पे लेआउट आज के टाइम में ये थोड़ा सा अलग लेआउट आया है, नहीं इसमें हम बहुत कुछ बना सकते थे, दो बेडरूम पीछे भी बना सकते थे, दो अटैच वॉशरूम 100 गज की तरह, पर लेआउट डिफरेंट है तो कबर्ड्स भी डिफरेंट है। इस बेडरूम में बीच में आप बेड जैसा मर्जी साइज़ का लगा सकते हो, उसी हिसाब से हमने स्पेस छोड़ी है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ग्लॉसी सरमाइके के साथ, और बीच पे टीक का वर्क है, पॉलिश की हुई है, लाइटिंग लगाई हुई है, अंदर की तरफ हमने वेंटिलेशन दी हुई है साथ में, और यहाँ पे आपको ड्रेसिंग का मिल जाएगा, एलसीडी पैनल का मिल जाएगा, अटैच वॉशरूम है। अभी बाथ फिटिंग लगाएंगे, पर यहाँ पे जगुआर की बाथ फिटिंग लगेगी प्रॉपर्ली। बहुत स्पेशियस है हमारा ये वॉशरूम का एरिया, टोटली यहाँ पे जगुआर लगेगी आपकी, और ये वॉशरूम बेडरूम से भी एंटर कर सकते हो। अगर आपके घर पे रिलेटिव वगैरह आए हुए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तो ये वाला बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं आप, मॉडलर किचन में कोई भी बंदा खड़ा। ग्राउंड फ्लोर पे जैसे मैंने बताया था 2 BHK सेट है, ये हमारा सेकंड बेडरूम रहेगा। फॉल सीलिंग विद प्रोफाइल लाइट, बैक पैनलिंग लगाई हुई है, बीच में हमने टीक लगा के ऊपर पॉलिश करके बीच में प्रोफाइल लाइट लगाई है। यहाँ पे बहुत बड़ा कबर्ड्स मिल जाएंगे आपको, मैट सरमाइका लगाया हुआ है कबर्ड्स के ऊपर, अगर इसको खोलेंगे तो अंदर भी सरमाइका वर्क है। सरमाइके की क्वालिटी बहुत अच्छी लगाई हुई है, क्योंकि अंदर जो सरमाइका लगा है लोग वो बाहर लगाते हैं, पर हमने अंदर लगाया, और उससे भी बेटर जो हमारी आज के टाइम का जो बढ़िया सरमाइका है ये मैट में रहेगा, लाइनिंग में रहेगा, वो हमने यूज़ किया है यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा एलईडी पैनल मिल जाएगा, इसमें हमने डिको का पॉलिश वर्क का यूज़ किया है, यहाँ पे सरमाइका वगैरह यूज़ ही नहीं किया हमने। वेंटिलेशन हमने दी हुई है यहाँ पे, जो आपको बैक बालकनी में निकलती है। अटैच वॉशरूम है जगुआर की, यहाँ पे बाथ फिटिंग मिल जाएगी, अभी तो फिटेड नहीं है, जैसे मैंने बताया कि अभी हमारा ये विला इंडिपेंडेंट हाउस रेडी ही हुआ है, ज़्यादा इसमें जो थोड़ा बहुत काम रह गया वो इन्हीं चीज़ों का है। यहाँ पे भी आपको जगुआर्स की टैब मिल जाएंगी, और पीछे आपको स्पेशियस बालकनी मिल जाएगी इसकी बैक साइड पे। हमने जो कॉर्नर हाउस है तो उसमें हमने ये डोर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने टू व्हीलर वगैरह यहाँ पे 3, 4, 5, 6 जितने मर्जी क्वांटिटी में यहाँ पे लगा सकते हो, इसीलिए हमने डोर दिया। यहाँ पे स्पेस अच्छी है, फर्स्ट फ्लोर पे भी बालकनी है जो स्पेशियस रहेगी। पीछे भी हमारे एमडी सर के दोस्त का इंडिपेंडेंट हाउस था, ये भी सेल आउट हो चुका है सारा, मतलब ये भी 180 गज में था। फ्लोर पे 2 BHK सेट है, और फर्स्ट फ्लोर पे भी मिल जाएगा आपको 2 BHK, टॉप फ्लोर पे जैसे मैंने बताया था, और बढ़िया इंडिपेंडेंट हाउस है, 5 BHK है, लोकेशन बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले तो ये देखो, ये रेशे जो दिखते हैं ना, ये इसीलिए दिखते हैं अगर लकड़ी अच्छी है, नहीं अगर सिंपल हॉल वगैरह लगाते हैं वो भी चलो बढ़िया में आती है, पर मज़ा नहीं आता उसमें। ये था ग्राउंड फ्लोर का सेट, दोबारा से एक पार्किंग एरिया थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, सामने इंडिपेंडेंट हाउस, कॉर्नर के नॉन कॉर्नर सब में रह रहे हैं लोग। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएगा हमारे को, यहाँ पे एक पैनल मिल जाएगा जिसमें पावर का रहेगा ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर पे जो रहेगा पावर का रहेगा वो ऊपर लगाया हुआ हमने। राउंड में बालकनी है यहाँ पे, ये देखो ये है स्पेस, 180 गज की बहुत होती है, और हमने बनाया भी लेआउट भी उसी
एक उसी हिसाब का है, और मार्बल टाइप टाइल लगी हुई है यहाँ पे ना। नीचे है जो टाइल है वो 2.5x5.5 की है, फर्स्ट फ्लोर पे 2x5 की रहेगी फ्लोर टाइल। एलईडी पैनल मिल जाएगा, सीलिंग का वर्क मिल जाएगा। बहुत सारे बिल्डर हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा सा सॉलिड कर देते हैं काम, और फर्स्ट फ्लोर पे हर चीज़ वो सिस्टम से बनाते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लगाते। पर हमारे एमडी सर ने बहुत बढ़िया सिस्टम कर रखा है यहाँ पे। आपको जैसा ग्राउंड फ्लोर की मॉडुलर किचन की स्पेस थी और वैसा ही काम दिया है यहाँ पे। फर्स्ट फ्लोर सारा कवर है हमारा, ग्राउंड फ्लोर की तरह बना हुआ है। ड्राइंग भी मिल जाएगा आपको, दो फैमिली हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो, उस हिसाब से रह सकते हो ऊपर नीचे। ये फर्स्ट बेडरूम है, थर्ड बेडरूम हो गया इंडिपेंडेंट हाउस का। ये 180 गज के कॉर्नर हाउस का एलईडी पैनल और ड्रेसिंग है। इधर हमने जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे 2x4 की वॉल टाइल लगी हुई है जैगुआर की। यहाँ पे बाथ फिटिंग मिलेगी। सेकंड बेडरूम है ये, कबर्ड्स के साथ मिलेगा। बैक पैनलिंग बीच में मिल जाएगी, पॉलिश का वर्क है, सरमाइके का भी रहेगा, ड्रेसिंग का। यहाँ पे आपको एलईडी पैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको साइड पे 2x4 की वॉल टाइल रहेगी यहाँ पे ना, और जैगुआर की टैप्स वगैरह आ जाएगी। ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर, ये 180 गज के इंडिपेंडेंट हाउस का। एक बार ज़रूर विज़िट करने आओ, सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई जमा पूंजी लगानी है तो बढ़िया तरीके से विज़िट करो, अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। काम हमने आप मानोगे नहीं, हमें एक विला में टोटल 12 कॉलम है, 1x9 के कॉलम है, और जितने भी विंडो चौगट्ठे दरवाजे हैं सबके ऊपर जितने डोर बीम हैं वो सब हमने प्रॉपर इनके ऊपर डोर बीम डाले हुए हैं। यहाँ पे सारा पेंट जो शाइन कर रहे हैं ना, ये जितना भी लाइट से शाइन कर रहा है ये सारा डिको है। स्पेशी से यहाँ पे आपको रूफ मिल जाएगा, इसमें आप बार भी बना सकते हो, यहाँ पे बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे फंडर मैक्स का काम किया हुआ पिल्लर के साथ है। देखो जी, मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी रहेगी, जब मर्जी आओ विजिट करने के लिए। मेरी तरफ से गुड विशेज रहेंगी, ज़्यादा से सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिलेगी। ये बेडरूम है, अटैच वॉशरूम है, और साथ में किचन मिल जाएगी सर्वेंट रूम के लिए। छज्जों में लाइटिंग मिल जाएगी, पीछे से स्टेयर हमने चढ़ाई हुई है। ज़रूर आओ जी विज़िट करने, मोस्ट वेलकम है, 7 डेज अवेलेबिलिटी है।